आप पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को सुन रहे थे, राम मंदिर पर उन्होंने किस तरह से प्रतिक्रिया दी ये आपने सुना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी के जो पारस गुट है उसके नेता और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान आ गया है। 26 जनवरी के बाद सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, ये पशुपति पारस का कहना है। हमें हमारी मौजूदा 5 सीटें मिले, ये भी कहना है पशुपति पारस का। चिराग पासवान एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ये कह रहे हैं चाचा पशुपति पारस, मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। बहुत बड़ा बयान दे दिया है पशुपति पारस ने, सुनवाते हैं आपको क्या कहा है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। सर, एक तरफ जो विपक्षी गठबंधन है वो बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कब बातचीत शुरू होगी? 26 जनवरी के बाद हम लोगों की बैठक होगी। और देखिए, भाजपा बड़ी पार्टी है और हम लोग जब बैठेंगे, बैठ करके सीट एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितनी सीटें आपको चाहिए आपकी पार्टी को? तो जब बैठक होगी, बैठक में जब तय होगा उसके हिसाब से हम लोग मांगेंगे। 5 सीटें पिछली बार आपके पास थी? हाँ, 5 सांसद हम लोग हैं, आज भी हम लोग 5 सांसद सीटिंग हैं। और मेरा आग्रह होगा एनडीए के जो बड़े नेता हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि हमारा सीट जितना है उतना सीट हमको मिले। और चिराग पासवान की फिर इस पूरे गठबंधन में क्या भूमिका होगी, वो भी एनडीए का पार्ट है? चिराग पासवान जी एनडीए के गठबंधन के पार्ट कहाँ हैं जी? आप लोग कैसे मानते हैं कि एनडीए गठबंधन के पार्ट है? किसी एनडीए गठबंधन के बैठक में तो उनको नहीं बुलाया जाता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो उधर भी संपर्क में हैं? 100% हैं, उसमें कहाँ कोई फक्र बट नहीं है। जिधर हिसाब किताब बैठ जाएगा उधर चले जाएगा। आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? हम हाजीपुर से लड़ेंगे, हाजीपुर के हम सांसद हैं, हाजीपुर मेरा अधिकार है। स्वर्गीय पासवान जी जाने के पहले जब राज्यसभा के सदस्य हुए तो उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना, उनके सामने में उन्होंने मुझको नामांकन कराया, चुनाव हम जीते, भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर है। ये बात कहाँ से आ रहा है कि हम तो हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे? तो ये तो बात हुई एनडीए की, लेकिन इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है आपको बताते हैं। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस आपकी बैठक अब खत्म हुई है, जो जानकारी मिल रही है ब्रेकिंग न्यूज। बैठक के बाद बोले मुकुल वासनिक, अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, इंडिया का अटूट हिस्सा है आम आदमी पार्टी। ये वासनिक का कहना है, सीट समझौते पर फैसला जल्द सामने आएगा। देखिए, बहुत अच्छी बैठक रही आम आदमी पार्टी की तरफ से। वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा और नेशनल अलायंस कमेटी जो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने बनाई उसके साथ हम पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। बेहतरीन ढंग से हम मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला ये पहले ही हो चुका है। सर, दिल्ली और पंजाब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये इंडिया का एक बहुत एक मजबूत हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। इस तरह से हम तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे।